फिर से बात कर लेते हैं कोरोना गाइडलाइंस की। राज्य सरकार की जारी कोरोना गाइडलाइंस की लोग किस तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसकी एक वानगी देखने को मिली राजधानी पटना स्थित महावीर मंदिर में, जहां लोग सोशल दूरी को नजरअंदाज करते हुए मंदिर में भगवान के दर्शन करने का जायजा लेने पहुंचे, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजीव कुमार ने। कोरोना महामारी जिस तरीके से बिहार में बढ़ रही है, उसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ने एक तरीके से जितने भी धार्मिक स्थल है उसको बंद कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं, धार्मिक स्थल को 30 अप्रैल तक बंद कर दिए हैं। इसी में हम आज पटना के सबसे बड़े हनुमान मंदिर में खड़े हैं, पटना जंक्शन के ये हनुमान मंदिर है, जहाँ देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं बाहर से ही पूजा कर रहे हैं। गेट बंद, आपको गेट बंद दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि श्रद्धालु गेट के बाहर ही प्रसाद चढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में, क्योंकि कोरोना कल पूरे बिहार में धीरे धीरे पैर पसारते हुए कि जिस तरीके से कल कोरोना के 700 से ज्यादा मरीज मिले हैं, और एहतियातन तौर पर सरकार ने फैसला किया है कि 7 बजे तक ही दुकानें भी खुली रहेंगी, धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। और इसी चलते इतनी भीड़ आपको बाहर ही दिखाई दे रही है कि जो लोग यहाँ आए हैं, आइए लोगों से भी बात करते हैं कि पूजा बाहर से कर रहे हैं उनको कितनी तक बाहर से पूजा कर रहे हैं, कितना पड़ रहा है? ये तो बाहर से पूजा हो रहा है ठीक है, पर पूजा में देख रहे कितने भीड़ है, इसी फैलाव दे देते खोल देते तो कोई दिक्कत हो नहीं जाता। लेकिन सरकार ने 30 अप्रैल तक चुनाव में तो नहीं होती है ऐसी, अभी बोल रही की ये होगी, 7 बजे बाद वैसी भीड़ कम हो जाती है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आया, 7 बजे बाद बंदी क्यों? जब भीड़ खत्म होने लगती है, जब भीड़ खत्म होने लगती है 7-8 बजे से लोग अपने घर में जाने लगते हैं, तो उसे बंदी क्यों? मतलब किसी इमरजेंसी काम है तो आप पुलिस रोकेगी, बोलेगी पैसा लो, बंदी है, लटका पूजा करने में दिक्कत हो रही है। हाँ वो तो दिक्कत हो ही रही है, अगर ये फैलाव कर देता लोगों को बाहर रोक कर थोड़ा थोड़ा जाने देता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा ये महिलाएं पूजा करने बाहर तो पूजा करना पड़ रहा है, दिक्कत क्या हो रही है बाहर से पूजा करना, सरकार ने बंद किया है क्योंकि कोरोना जिस तरीके से भीड़ धार्मिक स्थल पर बढ़ती है उसको लेकर एहतियातन तौर पर किया सरकार। ये तो बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा, ये तो कोई जगह नहीं है, भगवान को तो यहाँ से भी प्रणाम करेंगे तो कबूल होगा और अंदर जाके भी करेंगे तो भी कबूल होगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम सरकार का ये बहुत ही सहजता स्वागत करते हैं। लेकिन तो लोगों का भी कहना है कि बाहर बंदी है वो एक तरीके से सही है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया 30 अप्रैल तक। अब वही लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार ने सही किया। पटना से अमित के साथ मैं राजीव कमल। कोरोना बिहार में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने सभी धार्मिक स्थलों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। इस फैसले के बाद आम लोगों के लिए महावीर मंदिर का दर्शन ऑनलाइन कर दिया गया है। महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि सरकार के आदेश का पूर्ण रूप से मंदिर प्रशासन पालन कर रहा है। आगे उन्होंने के मुताबिक कहा कि महावीर मंदिर की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था है, यानी भक्त अब घर बैठे महावीर मंदिर की वेबसाइट पर जाकर हनुमान जी का दर्शन कर सकते हैं।